वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वाटर फॉर लिविंग। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी लाइफ के लिए जितना सांस लेना जरूरी है उतना ही ज़्यादा जरूरी है वाटर। पानी की एक एक बूंद हर एक लिविंग बींग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रहती है। तो आइए जानते हैं वाटर के बारे में। वाटर हैज़ नो फूड वैल्यू बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अवर फूड। पानी क्या है, वो उसकी फूड की जैसी वैल्यू नहीं है बट वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं हमारे फूड के लिए, हमारे लिए। वी नीड अलॉट्स ऑफ वाटर टू डाइजेस्ट द फूड, गेट राइट ऑफ वेस्ट एंड यूज द न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली। द वेस्ट एंड जो पानी है वो हमारी बॉडी में, बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। साथ ही जो फूड हम लेते हैं उसको डाइजेस्ट करने में और जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर करने में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। यदि हम देख लेते हैं कि कुछ दिन तक तो हम पानी के बिना रह सकते, लेकिन फूड के बिना हम ज़्यादा दिन तक रह सकते हैं बट पानी के बिना हम ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते हैं। और ये पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, किस जगह से हम प्राप्त करते हैं, आइए वो जान लेते हैं। सोर्सेस ऑफ वाटर, वाटर इज़ अवेलेबल ऑन अर्थ एज फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर। अब यहाँ पर बताया गया है कि हमारी पृथ्वी पर पानी मिलता है बट दो प्रकार से मिलता है। एक तो ये रहता है फ्रेश वाटर, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं पानी पीने में, खाना बनाने में। एक रहता है सॉल्टी वाटर, यानी कि नमक वाला खारा पानी। वी गेट फ्रेश वाटर फ्रॉम रेन, रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स एक्सेट्रा। और जो फ्रेश वाटर है जिसे हम पीने के लिए, खाना बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो नदियों से, तालाबों से और बारिश से हमको मिल सकता है। वी आल्सो गेट फ्रेश वाटर फ्रॉम बिलो द ग्राउंड एंड ड्रॉ इट आउट विथ पंप फ्रॉम वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। सॉल्ट वाटर इज़ प्रेजेंट इन सीज एंड ओशंस, यानी कि जो पानी हम पीते हैं उसको हम कुएं के माध्यम से, हेडपम्प के माध्यम से, जो अंडरग्राउंड वाटर है उससे हम पानी पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो सॉल्टी वाटर रहता है वो हमेशा समुद्रों में उपस्थित रहता है। अब हम देख लेते हैं सोर्सेस ऑफ वाटर क्या क्या हैं। तो पहला है रेन। तो रेन जो है यानी कि बारिश, रेन इज़ द मेन सोर्सेस ऑफ वाटर। अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन टू वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स, लेक, रिवर एंड सीज। इट आल्सो सीप्स इन टू द सॉयल एंड जो कहना चाहिए कि यदि हम रेन को शॉर्ट में डिस्क्राइब करें तो इस रेन क्या है, जो वाटर का सबसे मेन सोर्सेस है। यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि वॉट इज़ द मेन सोर्सेस ऑफ वाटर, तो आपको रेन ही बताना है, क्योंकि बारिश ही हमारे लिए पानी का सबसे बड़ा माध्यम है और उसी के माध्यम से पृथ्वी पर नदियों में, तालाबों में, झीलों में और अंडरग्राउंड वाटर भी उसी के माध्यम से पहुंचता है। यदि बारिश नहीं होगी तो इन सभी जो सोर्सेस हैं वाटर के, जो सोर्सेस हैं उनमें पानी नहीं होगा और हमें फिर पानी की यहाँ पर कमी होगी। तो सबसे मेन जो सोर्सेस हैं वो है रेन है। और नेक्स्ट इसमें देखते हैं पॉन्ड्स एंड लेक्स, तालाबों में, झीलों में। ये बहुत ही स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर हैं और इसमें यदि हम देखते हैं कि पॉन्ड्स और जो लेक्स रहते हैं वो बारिश के माध्यम से ही फुल होते हैं। विदाउट रेन इनमें पानी आना पॉसिबल नहीं है और बहुत ये सूख जाएंगे। बारिश के माध्यम से क्या होता है, ये हमेशा भरे रहते हैं और इनका यूज़ हम कर सकते हैं। अ पॉन्ड इज़ अ स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर, अ लेक इज़ अ बिगर बॉडी ऑफ वाटर देन अ पॉन्ड। दोनों छोटे सोर्सेस हैं मगर जो पॉन्ड्स है वो लेक से छोटा है और जो लेक है वो पॉन्ड से थोड़ा बड़ा कह सकते हैं हम उसको। और यदि हम और भी देखते हैं, रिवर वगैरह हैं, कुएं हैं, हेडपम्प्स हैं, ट्यूब वेल्स हैं, बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं जिनके माध्यम से अंडरग्राउंड वाटर है जिनसे हम पानी ले सकते हैं। रिवर भी बहुत बड़ा एक सोर्सेस है वाटर का, लेकिन सभी डिपेंड करते हैं रेन पर। अब हम यदि देखते हैं लाइफ इन वाटर, अब यहाँ हमने हमारी बात की है कि हम सभी पानी से किस प्रकार से जुड़े हैं, वो हमारी लाइफ में कैसे इम्पॉर्टेंट है। अब पानी तो सभी लिविंग बींग्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो पृथ्वी ज़मीन पर रहते हों, आसमान में उड़ते हों या पानी में ही रहते हों। तो
कई लाइफ्स ऐसी हैं वो जो पानी पर ही डिपेंड करती हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। देयर आर मैनी क्रिएचर्स दैट लिव इन वाटर बॉडीज सच एज लेक पॉन्ड रिवर सीज एंड ओशंस। सम क्रिएचर्स आर फ्रेंडली वाइल सम अदर क्रिएचर्स लाइक शार्क एंड व्हेल डेंजरस। मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेस आल्सो लिव इन वाटर। यहाँ बताया गया है वाटर एनिमल्स के बारे में, जिनको हम एक्वेटिक एनिमल्स भी कहते हैं। तो पानी के अंदर रहने वाले जो जीव हैं, लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, उन सब के लिए पानी की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। उनकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है पानी पर। यहाँ वाटर साइकिल क्या है? आपने देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में जब बहुत तेज़ धूप पड़ती है तो आपके आसपास जो नदियाँ तालाब हैं तो उनका पानी क्या होता है, धीरे धीरे कम होते जाता है, उनका लेवल डाउन होते जाता है। हम अक्सर देखते हैं जैसे जैसे गर्मियों का मौसम आता है, यदि हम कहीं से निकल रहे हैं वहाँ यदि लेक पॉन्ड या रिवर दिखाई देती है तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो वाटर लेवल है वो कम होते जाता है। तो वो पानी जाता कहाँ है? वो पानी भाप बनकर उड़ जाता है और फिर क्या होता है, वो भाप बादल बनते हैं और बूंदों के रूप में फिर बारिश के मौसम में हम पृथ्वी पर पुनः आते हैं। और वो बारिश के रूप में जब आते हैं तो पृथ्वी पर कुछ तो मिट्टी के द्वारा सोख लिया जाता है पानी, कुछ बह जाता है, कुछ नदियों में चला जाता है, नदियों के माध्यम से फिर से समुद्र में पहुंच जाता है। और फिर से जब समर सीजन आता है तो फिर से वही प्रक्रिया दोहराई जाती है, भाप बनता है पानी, फिर से बादल बनते हैं और जब ठंडी हवाएं चलती हैं हवाओं के माध्यम से फिर क्या होता है, बारिश के मौसम में बारिश होती है और पृथ्वी पर पुनः वो जो जल था वो प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से एक सर्कल सा चलते रहता है जिसको हम वाटर सर्कल कहते हैं। अब बात की जाए वाटर पॉल्यूशन की, तो वाटर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। ये बहुत ही गंभीर समस्या रही है पृथ्वी पर हमेशा से ही, आज भी है। जो वाटर बॉडीज रहती हैं अधिकतर लोग उनको पॉल्यूट करते रहते हैं, चाहे कचरा फेंक कर, कपड़े धोकर, एनिमल्स को नहलाकर, व्हीकल्स को साफ करके या किसी भी तरीके से। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फैक्ट्री से जो केमिकल निकलते हैं उनकी वजह से जो वाटर बॉडीज हैं वो पॉल्यूट होती हैं और जिससे क्या होता है, लिविंग बींग्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, चाहे हम हों, प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, बहुत ज़्यादा हार्म होता है। अब हम देखते हैं कि उनको किस प्रकार से रोका जाए, यानी जो वाटर बॉडीज हैं या वाटर वेस्ट करते हैं हम, किस प्रकार से उन्हें रोका जाए। तो ये सारी बातें हमको खुद करना है कि हमें उसको पॉल्यूट नहीं करना है, कचरा नहीं फेंकना है। बहुत छोटी क्लासेस से ही बताया गया है कि वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। सबसे पहली शुरुआत हमें अपने से और अपने घर से करना है। जो पानी हम वेस्ट कर देते हैं वैसे ही बहाते रहते हैं, उनको सही जगह इस्तेमाल करें। दूसरा, वाटर बॉडीज़ के आसपास सफाई रखें, वो किसी भी प्रकार का कचरा ना फेंकें। और फैक्ट्रीज जो केमिकल्स पानियों में बहा वाटर बॉडीज़ में बहा देती हैं उसके लिए कुछ दूसरा उपाय खोजें। तो यदि हम प्रयास करेंगे तो कुछ हद तक वाटर बॉडीज़ जो हैं वो पॉल्यूट होने से बचेंगी और उससे हमारा ही फ़ायदा होगा। तो हमने आज जो वाटर के बारे में पढ़ा है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप पानी की अहमियत को और उसकी वैल्यू को जाने होंगे। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।